हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल भारत यात्रा विथ महेंद्र बावरी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जगन्नाथपुरी यात्रा में ले जा रहा हूं। उड़ीसा में स्थित पुरी हिंदुओं के लिए भारत के प्रमुख चार तीर्थस्थलों में से एक है। पुरी बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर स्थित एक पवित्र शहर है, जिसे भगवान शिव के विश्राम स्थल के रूप में माना जाता है। पुरी में लोग अपनी संस्कृति को विभिन्न त्योहारों के रूप में मनाते हैं और इन त्योहारों के बीच जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। अब हम बात करते हैं पुरी पर्यटन में घूमने लायक प्रमुख मंदिरों के बारे में, साथ ही बताने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे आए। यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं पुरी के तीर्थ स्थल जगन्नाथ मंदिर की। जगन्नाथ मंदिर पुरी के मंदिरों में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। पुरी का यह मंदिर भारत में हिंदू धर्म के चार धाम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। इस मंदिर का नाम दो अलग अलग शब्दों से लिया गया है, जग और नाथ। पहले शब्द जग का अर्थ है ब्रह्मांड और दूसरे शब्द नाथ का अर्थ है प्रभु। अब हम बात करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कोणार्क मंदिर की ओर। कोणार्क मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत प्रमाण है, जहां पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से अच्छा अनुवाद प्रकट करती है। कोणार्क में नृत्य महोत्सव सबसे लोकप्रिय माना जाता है, जो हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित होता है, जो दर्शकों को विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य देखने का आनंद देता है। कोणार्क हिंदू देवताओं के छवियों और पत्थरों, सिंह और लकड़ियों से बनी सजावटी वस्तुओं की उत्कृष्ट नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं पुरी के धार्मिक स्थल गुंडीचा घर मंदिर के बारे में। गुंडीचा घर मंदिर पुरी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पुरी के गुंडीचा घर के मंदिर की लोकप्रियता को इस बात से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि इसकी तुलना अक्सर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से की जाती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार पुरी में स्थित गुंडीचा घर मंदिर भगवान श्री कृष्ण की चाची का निवास स्थान माना जाता है, जिन्हें गुंडीचा कहा जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि यह वही मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का त्यौहार मनाने के लिए यहां 9 दिन तक रहते थे। इस अवसर पर बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा, जो तीन भाई बहन माने जाते हैं, गुंडीचा उनका स्वागत चावल के बने विशेष व्यंजन पोदा पीथा खिलाकर करती थी। अब बात करते हैं पुरी के दर्शनीय स्थल लोकनाथ मंदिर की। लोकनाथ मंदिर पुरी शहर में आने वाले पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय स्थानों में से एक है। पुरी का यह लोकनाथ मंदिर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में सरंती सांबर मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम बताते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचें। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको बता दें कि पुरी की सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर है। यह पुरी से केवल 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप भुवनेश्वर हवाई अड्डा पहुंचकर वहां से टैक्सी बुक करके पुरी पहुंच सकते हैं, और अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो पुरी का अपना खुद का रेलवे स्टेशन है, जो पुरी कलकत्ता चेन्नई लाइन के साथ स्थित है, और अधिकांश ट्रेन यहाँ रुकती है। आप ट्रेन के माध्यम से यात्रा करके आसानी से पुरी रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद आप वहां से ऑटो करके जगन्नाथ पुरी पहुंच सकते हैं। अगर मेरे दिए हुए जानकारी से आपको ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।